गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। सभी स्कूल कोचिंग संस्थान और छात्रावास के छात्रों का होगा कोरोना टेस्ट, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। स्कूल खोलने के साथ ही बिहार के कई जिले में कोरोना का केस देखने को मिल रहा है। मुंगेर में शिक्षक और 25 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गया में भी प्रिंसिपल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने कोरोना टेस्ट कराने का आदेश जारी कर दिया है। बैंक ने लोन वापस करने का बनाया दबाव तो शिक्षक ने इज्जत जाने के डर से खा लिया जहर, दे दी जान। कोरोना संकट के इस काल में पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। शिक्षा जगत पर भी कोरोना के असर गहरा प्रभाव डाल चुकी है। कई सारे शिक्षक की हालत ऐसी हो गई है कि वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। छक सहित कोचिंग और निजी स्कूल आदि शिक्षण संस्थानों के संचालक और आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भागलपुर जिले से आई है, जहां बैंक ने लोन वापस करने को बनाया जब दबाव तो केमिस्ट्री के शिक्षक ने इज्जत जाने के डर से जहर खाकर अपनी जान दे दी। बिहार में मिले कोरोना के 493 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,64,019। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 493 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,64,019 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,543 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। दरभंगा लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 72 हीरे और 1.5 किलो सोना और 30 लाख रुपए के साथ 11 अपराधी को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस ने एसटीएफ की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीते 9 दिसंबर को अलंकार ज्वेलर्स में हुए लूटकांड में दरभंगा पुलिस ने बेगूसराय और समस्तीपुर जिले से 30 लाख रुपए नगद और 1.5 किलो सोना और 72 हीरो के साथ 11 अपराधी को धर दबोचा है। बिहार में पहले चरण के अंदर 4.5 लाख लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। राज्य में सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। हर तरफ केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए हरी झंडी मिलने के बाद अब बिहार में टीकाकरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में पहले चरण के अंदर 4,62,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। कोविड-19 पर टीकाकरण के लिए अब तक के 4,62,026 लोग का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। घर में अकेली सोई नाबालिग के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कैमूर जिले में कुदरा गांव क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ घर के बगल के ही एक लड़के ने खेत में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाना भभुआ में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का मेडिकल जांच हुए न्यायालय में 164 बयान दर्ज कर लिया गया है। MBA और BTech करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलने पर अब खेती पर उतरे दोनों भाई, बन रहे हैं उदाहरण किसानों के लिए। आज के इस विपरीत परिस्थिति में कोई भी युवा पढ़ लिख कर खेती करने के लिए नहीं सोचता है और ना ही कोई किसान अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर खेती करने के लिए कहता है, लेकिन युवाओं के लिए मिसाल कायम किया है पीरपैंती प्रखंड के तमोली गांव के साधारण किसान परिवार के दो सगे भाई रौनक और रमन दुबे ने, जो इंजीनियर और MBA करने के बाद वापस अपने गांव लौट गए और खेती के कारोबार में जुट गए। आज इनके खेतों में उपजाई गई फसल की मांग अमेरिका और कनाडा तक पहुंच गई है। भागलपुर में ट्रैक्टर की ठोकर से बच्चे की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। अकबर नगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव के समीप एक ट्रैक्टर ने बच्चे को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे का नाम लक्ष्य राज उर्फ गोलू कुमार बताया जा रहा है।
जो श्रीरामपुर गांव के रहने वाले थे। इस घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने शाहकुंड अकबर नगर मार्ग को जाम कर, जिससे सड़क पर घंटों वाहन का आवागमन बाधित रहा। स्नातक ग्रेड में गलत तरीके से प्रमोशन पाए शिक्षक पर गिरेगी गाज, डीपीओ ने कार्रवाई का दिया आदेश। जिले के 3 नियोजित शिक्षक इकाइयों में स्नातक ग्रेड में गलत तरीके से प्रमोशन पाए 93 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त कर दिया गया है। इन सभी शिक्षकों पर नियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रमोशन पाने का आरोप लगाया है। इन सभी 93 शिक्षकों के वेतन की भी वसूली की जाएगी। कोर्ट में गवाही नहीं देने के लिए दे रहे थे धमकी, नहीं मानने को लेकर महिलाओं की कर दी गई पिटाई। समस्तीपुर जिले में मोहितनपुर नगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में आपसी विवाद मारपीट के दौरान 3 महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है। महिलाओं को जख्मी हालत में स्थानीय अस्पताल के लिए इलाज के लिए लाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक देखकर डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां सभी का इलाज कराया जा रहा है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रूपए, मटन स्टू 65 रूपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रूपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रूपए एवं मटन थाली 195 रूपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया, फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।